कहने का मतलब यह है कि जैसे 7 दिन को सत्संग बताया था, ऐसे ही 3 तरह का सत्संग है। 3 तरह का, वो कौन सा है? कि जैसे यानी सत्संग के मामले में समझा रहा हूं आपको कि सत्संग ऐसे समझो जैसे सूली पे चढ़ गए। सत्संग सुनने वालों का बोलने वाले पे भार वजन बहुत होता है। कोई भी बोल लिया हो, सुनने वालों का भार कौन पे? बोले हुए बारे में बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है स्टेरिंग पे। क्यों? कि ऐसा कोई बोल ना कर जाए तो सुनने वाले ने छोड़ के भगवानों में बोलो लगे। वो होना चाहिए सत्संग। तो सत्संग की सामा अलग है। जैसे बोलते ज्ञान, तो ज्ञान भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है सरोता ज्ञान, जो मैंने जितना सुन लिया सीख लिया इतना ही जानते और खजुना मालूम। एक होता है लिखतम ज्ञान, लिखते ज्ञान के पोतन्ना लिखे तने बहसनू पढ़ने में चलेंगे लद के इतने तो बाकी कोई थाना या था है। और एक होता है आत्म ज्ञान। कौन से बताए? 3। सरोता ज्ञान, सरोता ज्ञान और लिखतम ज्ञान और आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान जिसको हो गया और सदबुद्धि, ये दोनों प्रकट जिसको हो गई तो फिर उससे तो कोई ऊपर है ही ना सकता। आत्म ज्ञान बड़ा वो है। जैसे 84 लाख योनी बताई थी, 84 लाख योनी। मैं थोड़ा सा थोक में गिना रहा हूं कि 30 लाख प्रति की योनी ये वनस्पति है। वनस्पति जो जमीन पर खड़ी है, जो जीव है, अंजीव नहीं है। और 27 लाख प्रति की है कीड़े मकोड़े जो जमीन के अंदर है। 14 लाख प्रति के हैं उड़ने वाले पंछी, जोड़ा चलो जोड़ी जाए तो। और 6 लाख प्रति के हैं जल के अंदर जीव जंतर रहते हैं। और 4 लाख प्रति की हमारी तुम्हारी मानस की योनी है। और 4 लाख प्रति के जानो 4 लाख तरह के चौपाए जो 4-5 से चलते हैं, ऊंट घोड़ा हाथी बाम है गिलहरी चौगरे तक आए गए। वो उड़ने वाले पंछी बताए ताम बर्र तैया माछर मक्की सब आ गए। तो कहने का बताए 84 लाख योनी में तो एक निगारे का संख्या बोल दोगे कितनी बचेगी? सिर्फ एक योनी 83,90,999। ये इतनी योनी हत कहा है? जा एक योनी को तत्र है, जा देवत को तत्र है, मानस योनी को। तो ऐसी करनी करो तो मानस को जन्म तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि जब ऐसे 84 आसन होती है, 84 आसन होते हैं संत लोगों के, हरे कोई 84 आसन लगा नहीं सकता है। हाँ, एक सबसे बड़ा जैसे सबसे बड़ी योनी मानस है, तैसे सबसे बड़ा गर्भ मास को आसन है। ऊपर को गोड़ नीचे को मूड़ संत लोग लगाते हैं इसको रात्रि के समय, कोई देख ना ले। और तभी ये मंत्र वचन बोला जाता है। क्यों? कि बोलना जरूरी है कि बाप प्रभु से हम तो वादा करके आते जब उनके लटके तब कि हे भगवान मुझे नरक से बाहर निकालते तो मैं सांस सांस पे तेरा ही नाम लेता रहूंगा। क्या? सांस सांस पे प्रभु तेरा ही नाम लेता रहूंगा। और भगवान कहते कि यूं तो नीचे निकल जाओ सरकस मिलेगा तो बाबा नाना प्रकार की चीजें मिलेगी। तो खजू बाबू में तो दान धर्म लगावे, कहाँ लगावे लायक हो ता मैं तो 10वां हिस्सा धर्म में लगाऊंगा। अब बोलिए सांस सांस के नाम के वादा मंत्र कौन जानता है? और 10वां हिस्सा धर्म में कौन लगा रहा है? तो प्रभु के वादा पूरा तुम नहीं करोगे तो तुम्हें मानसिक जन्म कैसे मिल जाओ? जैसे कोई प्रधान कह दे कि त्या ईट खरंजा बनवा देंगे, स्कूल खुलवा देंगे और मुझे प्रधान कर लो, तो वो तुमने प्रधान कर दिया और फिर वो बनवावे नहीं तो अगले चुनाव में तुम प्रधान कर दोगे? तो भगवान तुम्हें मानसिक जन्म कैसे दे देगा? उसके वादा पूरे करो। एक थोड़ा सा मंत्र हजारी महामूल मंत्र भाई और बोल लिए थोड़े से। ओम श्री सत्यम शिवम सुंदरम राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सैत्रो नाम तातुल्यम राम राम बरानने। फिर बोलो ओम श्री सत्यम शिवम सुंदरम
राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सैत्रोना तातुल्यम राम राम बरानने। इतने मंत्र बोल भी मैं फिर उनके 1000 नाम लिख जाते हैं। और नाम कितने लेने रोज मालूम है? 24,000 108 सांस निकलती है 24 घंटा में। आज पहले 22,600 ही कब अगर लंबी उम्र की लंबी सांसें ही तो थोड़ी सांस निकलती है, तो कब सांस ही बन गई तो फुक भगवान से फूक रहा समझो करके 24,000। राधे श्याम तिवारी बाने ने इस बात का टेम्पूटर दिया है, इंतान लिया है, सांसें गिनी गई हैं तो कितनी बैठी हैं 24,108। तो इन सांसों के नाम के बाधा जाय मंत्र से पूरे रह सकता और कोई मंत्र है नहीं। बोलिए पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की, बोलो जगत जननी माते सुरी की। कहाँ तक समझाऊं? सत्संग तो सात ही दिन में पूरा हो पाता है पक्का ठोस मेरो गद्दी ब्याज गद्दी डाल के और 5-7 आदमियों से। लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में ये चेतावनी दे रहा हूँ कि सत्संग चीज ही अलग है। सत्संग हरेक कोई नहीं कर सकता। सत्संग के गीत गाए लेंगे, भजन गाए लेंगे, सिख काम कर लेंगे, लेकिन सत्संग तो हुआ था 2000 में हुआ है, इतनी महफिल में हुआ ही नहीं है। ये तो शिक्षा दी जा रही है तुम लोगों को। हाँ तो अब मैं अपनी बाणी पे नेक विराम दूंगा और बोलवे बारे बैठे मेरे संघ के ही मेरे स्टाफ के वो बोलेंगे। एक थोड़ा सा मैं छपका दे रहा हूँ। योगी मोदी से सके दुनिया दुखी है रे ताको। वैसे आपकी राजी है मन की काव किया ना मालूम। हाँ यो मत जानियो कोई और कछु है जे फोन आ रहे सोई होगो का होगो मालूम है। अरे होगी पिए जी पी, अरे होगी बीजेपी सरकार, देश में हल्ला है रयो भारी। अरे होगी बीजेपी समय हल्ला है रयो भारी। अरे हल्ला है रयो भारी, हो अब हल्ला है रयो भार है गई बीजेपी। तो योगी मोदी तुम सुन लियो, तुमने भारी धर्म कमायो है। योगी मोदी और कहाँ तक सत्य लिखो हम ने लिखना कछु देखो पायो है। कहाँ तक सत्य लिखो हो देखो लिखो कछु। अरे तुमने भारी धर्म कमायो, मैंने लिखना कछु देखो पायो। ओ है गई बीजेपी सरकार देश।
ताड़ दई तुमने, अब नई नई कानून काड़ दई तुमने, सारो देश बनायो है और नेता तो देखो बहुत अच्छे है गए, सो कौने कर ना पायो सारो ते सब नायो, ऐसो काउने करना पायो, ऐसी नहीं मिलेगी सरकार दे सब हल्ला है रयो भारी, ऐसो नहीं काउने करना पायो, ये सब हल्ला है रयो भारी, हल्ला है रयो भारी, दे सब फ्री कराए दे तुमने, जीरो बैलेंस खुलाए कनेक्शन, फ्री कराए दे तुमने, जीरो बैलेंस खुलाए है, ले कापी बैंक पे आए नगद केस ले
जो नहीं देवे बोटू भूल में तो है जागो ना सुभूल ओ ऐसी नहीं मिलेगी सरकार।